नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश दुनिया हर राज्य की हर शहर की खबर आप तक पहुंचाएंगे इन्फॉर्मेशन से भरपूर हमारा ये बुलेटिन। अगले एक घंटे हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये बुलेटिन आपने देख लिया तो आपको अखबार पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि अखबार के हर पन्ने की खबर आपको मिल जाएगी हमारे इस बुलेटिन में। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि आसपास की कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी वहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे और दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छत से कूदने लगे। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एक के बाद एक कई लोग छत से कूदते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा की हैं, जहां ट्रांसपोर्ट नगर बाजार के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई जिसकी चपेट में आकर 2 युवक और 1 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आसपास की दर्जनों दुकानों को चपेट में ले लिया। इस दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई, लोग ऊपर फंसे लोगों को कूदने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और लोगों को आग बुझाने और बाहर निकालने की कोशिश शुरू हो गई। आग को विकराल होते देख लोग जान बचाने के लिए छत से कूद गए, जिसके चलते कई लोगों को चोट आई है। घंटों की मशक्कत के बाद कॉम्प्लेक्स में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और आग पर काबू पाया जा सका। और चलिए आग लगने की एक और घटना आपको बताते हैं। ये आग लगने की घटना जो है वो जर्मनी से है। जर्मनी के थीम पार्क में भीषण आग लग गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बताएं, ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है वो इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूरोपा पार्क जगह का नाम बताया जा रहा है, जो सबसे बड़ा थीम पार्क यहाँ का बताया जाता है। कई किलोमीटर दूर से काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग भागते हुए नजर आए। आग की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पार्क को पूरी तरह खाली करवा लिया गया। फिलहाल किसी का घायल होने की खबर नहीं है। मामूली रूप से जो लोग घायल थे अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया है। ये तस्वीर देखिए, जो सबसे बड़ा थीम पार्क है, यूरोपा पार्क इसका नाम है, और इस पार्क में आग लग गई। हालांकि राहत इस बात की रही कि जल्द ही जो लोग घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दारोगा की हनक आपको दिखाते हैं, कैसे एक दुकानदार पर रौब झाड़ता हुआ नजर आया। जी हां, दरअसल इस दारोगा ने एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी थी, क्योंकि वो पुलिस वाले हैं तो पैसे तो देने में वो आनाकानी करने लगे। 45 मिनट तक ये ड्रामा चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो एक्शन लिया गया है उसके बाद ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं कर पाएंगे। देखिए खबर। कानपुर में नशे में धुत दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि ये पुलिसकर्मी मिठाई लेने के लिए एक दुकान पर गया था, लेकिन मिठाई लेने के बाद पैसे देने की जब बारी आई तो दारोगा साहब आनाकानी करने लगे। फ्री मिठाई के लिए वर्दी का धौंस दिखाने लगे। दारोगा ने दुकानदार को धमकाने और धक्का मुक्की की भी कोशिश की। बात नहीं बनी तो गाली गलौज पर उतर आए, लेकिन ये पब्लिक है साहब। दुकानदार ने भी हार नहीं मानी, बल्कि नशे में धुत दारोगा का वीडियो बनाकर पूरा मामला ही वायरल कर दिया। अब इस वीडियो में देखिए, जनाब अपने किसी सीनियर को फोन घुमा रहे हैं। मुद्दा फ्री मिठाई का जो है, हर वो तरकीब अपना रहे हैं जिससे दुकानदार दबाव में आ जाए और मिठाई के पैसे ना देने पड़े। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस की फजीहत होने लगी। डीसीबी ने मामले का संज्ञान लिया और दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तो ये जो वर्दी होती है वो आम जनता की सेवा के लिए होती है, ना कि इस तरीके से धमकाने के लिए लोगों को। और लखनऊ से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर वर्दी का रौब झाड़ते हुए एक पुलिस वाला नजर आया और इस थप्पड़ की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी, क्योंकि जो वकील है उसके बाद धरने पर बैठ गए, कार्रवाई की मांग करने लगे। पूरी खबर दरअसल क्या थी वो देखिए इस रिपोर्ट में। हंगामे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं।
तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये लोग वकील हैं, जो कि साथी वकील के समर्थन में धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। पुलिस वकीलों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। चलिए आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर चेकिंग के दौरान एक वकील को थप्पड़ मारने का आरोप है। ये बात बाकी वकीलों को नागवार गुजरी, जिसके बाद इस वकील के समर्थन में बाकी वकील भी सड़क पर उतर आए। वकीलों की मांग है कि थप्पड़ मारने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए। गोमती नगर थाना इलाके के समता मूलक चौक पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। गुस्साए वकील कुर्सी लेकर सड़क किनारे धरना लगाकर बैठ गए और मौके पर ही आला अधिकारियों को बुलाने की मांग की। तो कानपुर में दारोगा जी थप्पड़ मारते हुए नजर आए, तो देखिए किस तरीके से लखनऊ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी थप्पड़ मारने की सूझी। लेकिन गुजरात के नवसारी में लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस वाले हैं कहाँ। जी ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नवसारी में चोरों ने आतंक मचा रखा है। देर रात तक जो वहां की आम पब्लिक है, जो स्थानीय लोग हैं, वही पहरेदारी कर रहे हैं। अब ऐसे में जो लोग हैं वो सवाल ये उठा रहे हैं कि ऐसे हमें ही पहरेदारी करनी है तो पुलिस वाले क्या करेंगे। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इलाके में चोरों का आतंक किस कदर फैला हुआ है। सीसीटीवी में चोरों की एक एक हरकत कैद हो गई। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जाता हुआ ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा शुरू हो रही है। आज से अमेरिका की यात्रा पर है। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान पीएम एक बार फिर से अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। दरअसल भारत अमेरिका संबंधों में पीएम मोदी की यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जहां द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, वहीं दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार पर कई बड़े समझौते भी होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, हाउडी मोदी की वो तस्वीर याद होगी, जहां जोरदार स्वागत गर्मजोशी के साथ उनका किया गया था और खासतौर पर जो भारतीय समुदाय के लोग थे वो कितनी बड़ी संख्या में नजर आए थे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो ऐतिहासिक दौरे से पहले की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है, जहां वो संबोधित भी करेंगे और उनका संबोधन देखने के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। साथ ही व्हाइट हाउस में जो उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं, वो भी उस पर भी पूरी दुनिया की नजर रहेगी। और भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद जिस तरीके से बढ़ा है हाल के सालों में, उसमें पूरी दुनिया की नजर है। पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा कई मानों में बेहद खास है, इससे भारत और अमेरिका के जो संबंध है और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था वहां आने के लिए, और जिसको स्वीकार करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। उनके काफिला देखे अब रवाना हो रहा है। आज से उनकी जो ये यात्रा है अमेरिका की वो शुरू हो रही है, और ऐसे में कई मायनों में बेहद खास रहने वाली है। हम आपको हर तस्वीर पहुंचाएंगे और हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, जो आपको दिखाएंगे कि कैसा माहौल अमेरिका में है। और ना सिर्फ जो भारतीय मूल के लोग हैं अमेरिका में, बल्कि अमेरिकी लोग भी बहुत उत्साहित है, और ये उत्साह हमने पहले भी हाउडी मोदी कार्यक्रम में देखा था। और एक बार फिर से वैसी ही ऐतिहासिक तस्वीरें नजर आएंगी। पूरा अमेरिका इस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। कई कार्यक्रम रखे गए हैं, बायलेटरल टॉक्स होने वाले हैं, कई समझौते होंगे, प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे, और भारतीय मूल के लोग भी उत्साहित हैं, अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि पीएम जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं, खासतौर पर भारतीय मूल के लोगों के लिए एक अलग ही संदेश लेकर जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ कुंदन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुंदन, जब से पीएम मोदी का ये दौरा तय हुआ था तभी से अमेरिका में जितने भी भारतीय रह रहे हैं वो उत्साहित थे, और 2024 से पहले का ये मीटिंग जो होने वाला है दोनों के बीच, दो बड़े लीडर्स के बीच, वो भी अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रधानमंत्री बतौर पीएम करीब 6 बार यूएस के दौरे पे जा चुके हैं, लेकिन ये दौरा विशेष तौर पे खास है, क्योंकि ये दौरा एक तरह से स्टेट विजिट पे जा रहे हैं, जो बाइडेन के पर्सनल इन्विटेशंस पे जा रहे हैं। और मेरे पीछे जो पालम का टेक्निकल एरिया आपको दिख रहा है, उससे चंद मिनट पहले प्रधानमंत्री का केबल कार अंदर गया है, और जो हमें सूचना है 5 से 10 मिनट के अंदर वो फ्लाई कर जाएंगे। और 3 दिन तक उनका लगातार दौरा है, और इसके बाद वो फिर इजिप्ट के लिए दौरे पर निकलेंगे और करीब 5 दिन के दौरा कंप्लीट करके जाएंगे। जहां तक इस दौरे का सवाल है, ये कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इसमें जो भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो प्रगाढ़ता आएगी, जो रिलेशंस का एक स्केल जाएगा, जो लगातार डील्स होंगी इसमें, डिफेंस से लेकर फाइनेंस से लेकर आईटी से लेकर और तमाम कल्चरल डील होने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री एक दौर में अमेरिका
जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश है, अगर वो उसको नीचे इन्वाइट करता है और न केवल वहाँ के केवल सोशल इकोनॉमी पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल क्लास में इस बात की चर्चा हो रही कि एक देश जो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश, लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर आ रहा है तो किस तरह के संबंध होंगे, किस तरह आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि ये दौरा वाकई दीपिका कई मायनों में बेहद खास है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। जी हां, पूरी दुनिया की नजर है। और ये दौरा क्यों खास है वो हमारे सहयोगी कुंदन आपको बता ही रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जून तक अमेरिका में ही रहेंगे और इस बीच वो अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित भी करने वाले। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बायलेटरल टॉक्स होंगे, रक्षा व्यापार समेत कई समझौते होंगे, यानी कई मायनों में दौरा बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सात समंदर पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी जबरदस्त है। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक जश्न का माहौल है। पीएम मोदी आज देर रात अमेरिका पहुंच जाएंगे जहां उनका बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। पीएम मोदी 21 से 23 जून तक अमेरिका के आधिकारिक राजकीय यात्रा पर हैं। पीएम मोदी की यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी। मोदी 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन जाएंगे जहां बतौर राजकीय मेहमान उनका स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन 22 जून की शाम प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। ये दूसरा मौका होगा जब पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले साल 2016 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिकी संसद के सदस्य, विचारक और सभी क्षेत्रों के लोग मेरी आगामी यूएस यात्रा पर अपना उत्साह साझा कर रहे हैं, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस तरह का समर्थन भारत अमेरिका संबंधों की गहराई को रेखांकित करता है। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान एक ओर जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी, वहीं दूसरी ओर कई डिफेंस डील पर भी मुहर लगेगी। और पीएम मोदी की इस अमेरिका यात्रा को लेकर खासतौर पर जो भारतीय मूल के लोग हैं जो यूएस में रहते हैं वो बेहद उत्साहित है, और इसीलिए अमेरिका के अलग अलग शहरों में गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। तो पीएम मोदी के इस विजिट को लेकर के जोश और जुनून दोनों ही बहुत हाई है, और पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम रहना है पल पल का अपडेट टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देखेंगे। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक और शिकागो से लेकर कैलिफोर्निया तक हर तरफ अमेरिका में इस वक्त पीएम मोदी की ही चर्चा और स्वागत की तैयारी है। जरा इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत के लिए स्थानीय लोगों में किस तरह का जोश और जुनून नजर आ रहा है। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिका में उनके स्वागत की जोरदार तैयारी है। भारतीय मूल के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां पीएम मोदी को लेकर भारतीय मूल के लोगों में दीवानगी ना दिख रही हो। पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को कवर करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने बड़ी तैयारी की है, जहां आपको पल पल का अपडेट मिलेगा। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता सुशांत सिन्हा इस वक्त न्यूयॉर्क में है। यहाँ उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पीएम मोदी के विजिट के बारे में पूछा। जरा सुनिए उस टैक्सी ड्राइवर ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेट विजिट है यूएस का, उसे कवर करने के लिए जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे हैं तो सबसे पहले हमारी मुलाकात जो हुई है वो यहां पर हमारे जो ड्राइवर साहब हैं आशीष जी जो जबलपुर से हैं उनसे हुई है। और मोदी जी को लेकर यहां पर आप लोगों की सोच क्या है? बहुत अच्छी सोच है, काफी सालों के बाद अपने को अच्छा पीएम मिला हुआ है। हम लोग की इंडिया के तबके के लोगों की यही सोच है, हमारे लिए तो पीएम मोदी सुपर हीरो हैं इंडिया के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के हर एक अपडेट हम आपको बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि वहाँ पर स्वागत की तैयारी कैसे की गई। और चलिए आपको दिखा देते हैं हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा की एक रिपोर्ट जो वहीं पर मौजूद है। भारत के जितने प्रधानमंत्री रहे इससे पहले मनमोहन सिंह जी को आज से 14 साल पहले स्टेट विजिट पर बुलाया गया था, और राजकीय सम्मान, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आप वहां पर आएंगे तो कुछ अलग से डील हो जाएगी, कुछ संबंध और बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन संबंध बेहतर हैं। अमेरिका जैसा देश जो खुद को बॉस मानता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं था, वो आज इंडिया को बॉस मान रहा है, ये इसका परिचायक है। ये इसका परिचायक है कि भारत का कद और रुतबा जो है वो किस तरह से बढ़ा है बीते कुछ साल में। और
प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनको 21 तोपों की सलामी मिलेगी। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी चर्चा है कि पीएम मोदी आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर भारत को लेकर चर्चा होती है, वो सारी चीजें अपने आप में गौरवान्वित करती हैं कि कमाल की तस्वीर जो है वो बनकर निकल कर आ रही है। एक और चीज आपको बताता हूं कि स्वागत होगा, उसके बाद जो बाइडन और उनकी जो पत्नी है वो प्रधानमंत्री के लिए एक डिनर भी आयोजित कर रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस वो एक लंच देने जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ यहाँ आओ भगत कराने नहीं आ रहे हैं, यहाँ बड़ी डिफेंस डील्स होंगी, यहाँ जो ड्रोन सिस्टम है उसको खरीदने पर बात होगी, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की बैठक है, जो उनका अपना हमेशा का रहता है कि वो आए हैं तो 10 जगह जो है वो बातचीत करके जाएंगी कि ऐसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, कैसे इंडिया जो है वो आगे बढ़े। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचने वाले हैं तो खासतौर पर जो भारतीय मूल के लोग हैं दीपिका, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है और इसीलिए गर्मजोशी के साथ उनके स्वागत की तैयारी वहां पर की जा रही है। जी हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और फिलहाल रुक करते हैं दुनिया की बाकी खबरों का, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। तबाही की ये तस्वीर ब्राजील से आई है जहां पर कुदरत ने भारी कहर बरपाया है, हर तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। भीषण तूफान की वजह से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में डिजास्टर टीम रेस्क्यू में जुटी है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जापान में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, होकाइडो आइलैंड में ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायल 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोड एक्सीडेंट के बाद गाड़ियों का मलबा सड़क पर पसर गया जिससे सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। बस सोपोर से हाकोदेट जा रही थी जो बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। अमेरिका में शूटआउट की वारदात दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अमेरिका के कई शहरों में गोलीबारी हुई है। सेंट लुइस के दफ्तर में बीती रात गोलीबारी हुई जिसमें एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए, जबकि दूसरा शूटआउट राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ जहां पर डब्ल्यू स्टेट फेस्टिवल कैंप में फायरिंग से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इसराइल के बाद अब अर्जेंटीना में लॉ रिफॉर्म पर बवाल मच गया है। ज्यूडिशियल रिफॉर्म की मंजूरी के बाद यहां पर हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल इस ज्यूडिशियल रिफॉर्म में विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कों को जाम करने पर रोक का प्रावधान है जिससे लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। ऑस्ट्रेलिया संसद से एक जनमत संग्रह कराने के लिए मतदान किया गया जिसमें पार्लियामेंट में स्वदेशी आवाज बनाने के लिए देश भर में मतदान किया जाएगा जिसमें देश के सबसे वंचित जाति अल्पसंख्यक को सरकार की नीति पर अधिक अधिकार देने के लिए वोटिंग की जाएगी। इस रेफरेंडम से सांसदों को उम्मीद है ऑस्ट्रेलियाई लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। की खबरों के बाद चलिए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन शीश महल का एक बड़ा असर हुआ है। जी हाँ, शीश महल बनाने में निर्माण कार्य में जिस तरीके से ज्यादा खर्च हुआ है उसको लेकर के विजिलेंस टीम ने अब पीडब्ल्यूडी को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर अब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग पर जांच की आंच पड़ सकती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 7 अधिकारियों को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों पर सीएम आवास के रेनोवेशन के दौरान नियमों में कथित तौर पर घोर उल्लंघन करने के आरोप है। इन अधिकारियों को 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि पुराने ढांचे को बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट के ध्वस्त कर दिया गया था, नए भवन के निर्माण के लिए भवन योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी, आवासीय परिसर का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया। बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत ने सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर ऑपरेशन शीश महल के जरिए बड़ा खुलासा किया था। बताया था कि भवन निर्माण के दौरान न केवल बेतहाशा पैसा खर्च किया गया बल्कि नियम कानूनों की धज्जियां भी उड़ाई गईं। पुराने सीएम आवास को रेनोवेट कराने के बजाय पूरी की पूरी नई बिल्डिंग ही बना डाली गई। पब्लिक के पैसे से लाखों के पर्दे और कमोड लगाए गए, साथ ही करोड़ों का मार्बल लगाया गया।
और 8:55 पर आपको ऑपरेशन शीश महल पर एक और बड़ा और विस्फोटक खुलासा हम दिखाएंगे टाइम्स नाउ नव भारत पर, आप जरूर देखें 8:55 पर। तो उस वक्त हमारे साथ जुड़ना ना भूले। लेकिन इस बीच चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ रही है, वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेज शिवसेना की लड़ाई भी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार सत्ता पर काबिज है, लेकिन उद्धव गुट वाली शिवसेना को ये रास नहीं आ रहा है। दोनों गुटों के बीच लड़ाई अब और तेज हो गई है। इसी बढ़ती लड़ाई के बीच उद्धव गुट वाली शिवसेना आज का दिन गद्दार दिवस के तौर पर मना रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से उद्धव ठाकरे को हटना पड़ा था। इसी को देखते हुए शिवसेना उद्धव गुट ने शिवसेना में हुई बगावत की पहली बरसी को गद्दार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। उद्धव गुट के फैसले पर सीएम शिंदे ने जोरदार पलटवार किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि गद्दार हम नहीं आप हैं, आप हम पर कितने भी आरोप लगा लीजिए, हमारे खिलाफ कितने भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन आपको लोगों की सहानुभूति बिल्कुल नहीं मिलेगी। तब मुख्यमंत्री शिवसेना का था और सरकार एनसीपी और कांग्रेस चला रही थी। उद्धव गुट के गद्दार दिवस मनाने को लेकर एनसीपी ने भी अपना समर्थन दिया है, हालांकि कांग्रेस इस पर खामोश है। इस बीच शिवसेना की स्थापना दिवस पर एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। आता तुम्ही एवढे सगळे ताकदवर नेते बसल्यानंतर हिंदू आक्रोश करतायत, याचा अर्थ तुम्ही सत्ता चालवायला, सरकार चालवायला, देश चालवायला लायक नाही आहात। जर तुम्ही 10 वर्ष 9 वर्ष झालेले, 10 वर्ष सत्तेवरती तिकडे काफी अहम माना जा रहा है साफ तौर पर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। काफी खास इस बार का यूएस दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। 23 जून तक वो वहीं पर रहेंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 23 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। जबरदस्त उत्साह अमेरिका में रह रहे भारतीयों के मन में है, उन्हें देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। न्यूयॉर्क में क्या हालात हैं, क्या तस्वीर है, कितने उत्साहित हैं लोग, वो तस्वीर भी हम आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाएंगे। फिलहाल रवानगी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। आज से उनका यह ऐतिहासिक दौरा शुरू हो रहा है, आज से अमेरिका के दौरे पर हैं। और एक बार जब वहां फिर से वो पहुंचेंगे तो क्या तस्वीर नजर आती है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले वो दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जब पीएम मोदी का काफिला निकला और यहाँ पर पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं। वो अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और जब वो अमेरिका पहुंचेंगे वहां पर क्या तस्वीर होंगी, क्या उनकी मुलाकात होंगी, क्या मीटिंग, क्या कार्यक्रम है, हर एक अपडेट उनके कार्यक्रम से जुड़ा हुआ आपको टाइम्स नाउ नव भारत बताएगा। तो ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त, क्योंकि ये दौरा वाकई बहुत ही अद्भुत रहने वाला है, जहां वो कॉन्फ्रेंस को तो संबोधित करेंगे ही, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, रक्षा व्यापार समझौते भी होंगे और खासतौर पर अमेरिका और भारत के संबंध जैसे है उसमें और भी ज्यादा प्रगाढ़ता आएगी। तो काफी वक्त से जो अमेरिका जाने का कार्यक्रम था और हम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर उन्होंने न्योता इस विजिट के लिए दिया था। कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए। कुंदन, तो वो ऐतिहासिक दौरा अब शुरू होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रवाना हो चुका है पालम एयरपोर्ट से। बिल्कुल 7:15 के करीब में उनका विशेष विमान से वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए और 3 दिन तक वो अमेरिका में रहेंगे और अलग अलग शहरों में। और जो बड़ी बात अगर हम ये बताएं इस पूरे विजिट को लेके, तो ये प्रधानमंत्री इससे पहले भी करीब 6 बार जा चुके हैं, लेकिन ये उनका स्टेट विजिट है और बाइडेन के विशेष आमंत्रण पर वहां गए हैं। ठीक है, तो इस कार्यक्रम से जुड़े हर एक अपडेट टाइम्स नाउ नव भारत पर हम दिखाते रहेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सोमवार को नीतीश कुमार सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपना समर्थन वापसी का पत्र सौंप दिया। उनसे समर्थन वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र देने के लिए आए थे और हम लोगों ने पत्र दे दिया और समर्थन वापस लेने की घोषणा आप लोगों के समक्ष भी करते हैं। अगले कुछ दिन जीतन राम मांझी दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका अलग अलग पार्टियों के बड़े नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। सभी नेताओं से, चाहे बसपा के हों, कांग्रेस के हों या और लोग हों, सब लोगों से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, जिसमें
एनडीए के नेताओं से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन मांझी की पार्टी एनडीए का हिस्सा बनेगी या कुछ और फैसला लेगी, इस पर मांझी ने कुछ साफ नहीं किया है। बस इतना कहा कि दिल्ली में वो राहुल, अमित शाह और मायावती से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं बिहार में होने जा रही विपक्ष की बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं। स्टेट गेस्ट हाउस को तैयार किया जा रहा है। खबर है कि बैठक के वेन्यू में बदलाव किया जा सकता है। ज्ञान भवन के बदले ये बैठक सीएम हाउस के नेक संवाद भवन में होने की चर्चा है। विपक्ष की मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मुलाकात करेंगे। वहीं बीजेपी और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। अभी विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता कर पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। और देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें तो आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चलिए अभी आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कुछ वायरल खबरें। जी हाँ, कौन से वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, दो मिनट में आपको दिखाते हैं। ये वीडियो इन दिनों काफी ट्रेंडिंग में है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को देखकर दंग रह गए। तस्वीरों में नजर आता है कि अलग अलग गाड़ियों के पहिए कैसे लोगों पर भारी पड़ गए हैं। कहीं टायर ने बीच सड़क पर शख्स को गिरा दिया तो कहीं टायर बदलने के दौरान इसमें ब्लास्ट हो गया तो कहीं हाईवे पर गाड़ी से टायर निकलने से हादसा हो गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो इन दिनों काफी वायरल है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं सफेद टी शर्ट और जींस पहने ये शख्स जमीन पर बैठे एक लाचार शख्स को बिना बातों के कभी पैर से मार रहा है तो कभी हाथों से पिटाई कर रहा है। इसी बीच एक शख्स आता है और पिटाई कर रहे शख्स को जोरदार किक मारता है, जिसमें ये जमीन पर गिर जाता है। अब यूजर्स बचाने वाले शख्स की काफी तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जो भी देख रहा है अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। वीडियो में एक शख्स घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन घोड़े पर चढ़ नहीं पाता, जिसके बाद शख्स को गुस्सा आ जाता है और शख्स घोड़े पर अपने पैरों से प्रहार कर देता है। बदले में घोड़ा भी शख्स को दुलाती मार देता है, जिससे युवक जमीन पर गिर जाता है। यूजर्स इस वीडियो पर तरह तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ट्रक सड़क क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। दरअसल एक तेज रफ्तार बाइक सवार की ट्रक में टक्कर हो जाती है, जिसके बाद ट्रक में भीषण आग लग जाती है। हैरान कर देने वाले इस वीडियो को जो भी देख रहा है सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग की सलाह दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में कई लोग एक दूसरे के कंधे पर खड़े नजर आते हैं और देखते ही देखते ये लोग बैलेंस बनाकर डांस करने लगते हैं। इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। जो भी इस डांस वीडियो को देख रहे हैं इससे लोगों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा। और गुजरात के जूनागढ़ से एक वायरल हो रहा है वीडियो जो बहुत ही तबाही मचा रहा है, जिसे देख करके आप भी सहर उठेंगे। जी हाँ, दरअसल पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कई पुलिस कर्मी इसमें घायल हो गए। तो आखिर उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया, कितने लोग हिरासत में लिए गए और क्या था ये पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए आप। गुजरात के जूनागढ़ में हुए बवाल का एक और वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोबाइल से बनाए गए इस वीडियो में उपद्रवियों की भीड़ दिखाई दे रही है। सड़क पर खुलेआम जमकर हंगामा हो रहा है, पत्थर बिखरे नजर आ रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे भीड़ एक अकेले पुलिसकर्मी पर टूट पड़ती है और बुरी तरह मारपीट शुरू कर देती है। उपद्रवियों का झुंड इस पुलिसकर्मी की जान लेने पर आमादा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो मजेवाड़ी इलाके की एक इमारत से बनाया गया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जूनागढ़ नगर निगम की तरफ से दरगाह को नोटिस दिए जाने के बाद पथराव और आगजनी को अंजाम दिया गया था। इसमें एक डिप्टी एसपी समेत करीब 10 पुलिसकर्मियों को चोट आई थी। झड़प में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। बीते शुक्रवार रात करीब 500 से 600 लोगों की भीड़ दरगाह के पास जमा हो गई थी। पुलिस ने लोगों से सड़क जाम ना करने की अपील की, लेकिन रात 10 बजे के करीब गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई, कई पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 170 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। हालात को देखते हुए मजेवाड़ी गेट के आसपास के इलाकों में फोर्स को तैनात किया गया है।
भोपाल से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक हिंदू युवक को कुत्ते का पट्टा उसके गले में बांधकर पीटा गया था और आरोप यह है कि तीन लड़कों ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला था। अब इसके खिलाफ शिवराज सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। हालांकि इस मामले के जो तीन आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं बल्कि इन लोगों पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक हिंदू युवक का गले में पट्टा बांधे वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में अब एक्शन में है, पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी समीर, फैजान और साहिल के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। तीसरे आरोपी फैजान के घर पर हथौड़ा चला है, देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चल गया है, हथौड़ा चल गया है। पूरे जो एंथनी जो अपना बयान देता है कि मैं मुस्लिम बनने को तैयार हूँ, उसके बाद पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है। चौहान इस पूरे मामले में यहाँ पर कार्रवाई की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले में की गई कार्रवाई नजीर बनेगी। मैंने देखा वो वीडियो और बहुत गंभीर किस्म का लगा मुझे। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को तत्काल निर्देश दिए कि इसकी जांच करके सत्यता पर जाएं और कानूनी कार्रवाई करें उस पर और 24 घंटे के अंदर परिणाम लाके दें। वही पीड़ित युवक ने पूरी घटना को बयान किया है। मेरे दोनों फोन अपने पास रख लिए गए और मेरी गाड़ी की चाबी भी वहीं छीन ली गई और वहीं खड़ी करवा दी गई और मैं को बीटी कॉलेज ले जाके बहुत मारा गया। कम से कम 70 तमाचे और 20 लाते मुंह पे, जो कि मेरा ये होंठ भी फट गया था, इसमें से बहुत ब्लड आ रहा था। तब भी वो रुके नहीं और मुझे बहुत मारा गया और मुझसे इस्लाम कबूल करने का बोला और मुझे मियां वही बनने का बोला और नहीं बनने पर मैंने मना किया और मैंने कहा कि मैं सोचूंगा और तो भी मुझे बहुत मारा गया क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मेरा नाम बहुत अच्छा है मेरी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी तेज है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और इसे जल्दी ही लागू किया जाएगा। लेकिन सीएम धामी का ये बयान विरोधी दलों को रास नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग ने इसे गैर जरूरी बताया है और कहा है कि इससे देश का माहौल और खराब होगा। कोई सियासत का मसला नहीं है, जो इसको सियासत का मसला बनाकर थोपना चाहते हैं इससे हालात खराब होंगे, बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। आज इनसे लोगों को निकाला जा रहा है, धौंसे दी जा रही हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, जबकि ये हिंदुस्तान मुख्तलिफ धर्मों के लोगों का है, सारी दुनिया के लोग यहाँ पर रहते हैं। विरोधियों के सवाल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है और इस पर बेवजह विवाद किया जा रहा है। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? क्या भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? क्यों बहस हो रही है, क्यों इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है? इस बीच जमीयत उलेमा हिंद ने यूसीसी पर विरोध जताया है, जिसके बाद से सूफी इस्लामिक बोर्ड ने जमीयत जैसे संगठनों पर कार्रवाई की मांग की है। कुछ संगठन मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उस पर सरकार निगाह रख रही है और निगाह रखेगी। मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे जो संगठन हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं और देश के नागरिकों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानून लाना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद अब बात करेंगे मणिपुर हिंसा की, जहां पर शांति बरकरार रहे उसको लेकर के पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं मणिपुर के जहां पर रुक रुक कर हिंसा हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री एन बी रेन सिंह ने अब सभी को चेतावनी दी है, खासतौर पर उपद्रवियों को ये वार्न किया है कि अगर वायलेंस फैलाया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मणिपुर में रुक रुक कर हिंसा जारी है, अभी भी कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल है। हालात की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेट बंद रखा गया है, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताजा हिंसा को देखते हुए बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर राज्य में हिंसा बंद नहीं की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने हैं। मैं जनता, हथियार थामे लोगों से अपील करता हूं कि वो किसी पर हमला ना करें और शांति बनाए रखें, ताकि हम राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सकें।
बता दें कि मणिपुर में पिछले महीने मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में शांति बहाल करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इस बीच राज्य में जारी हिंसा के दौरान अपने घरों से भागे लोगों को बसाने के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। राज्य भर में अगले 2 महीने के भीतर 3 से 4 हजार प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण किया जाएगा। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को अस्थायी रूप से ठहराने के लिए प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण होगा। और चलिए बात करते हैं फिल्म आदि पुरुष की, जिसे लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई शहरों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हाँ, और साथ ही विरोध में हिंदू सेना ने एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की। इसके साथ ही हिंदू महासभा ने भी फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यानी कि हर तरफ फिल्म में जो विवादित डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है उसका जमकर विरोध हो रहा है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। देश भर के कई हिस्सों में इस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है और अब यह मामला अदालत तक भी पहुंच गया है। हिंदू सेना ने इस मामले को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है। आज इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। इस याचिका में फिल्म के जरिए रामायण, भगवान राम और देश की संस्कृति का मजाक बनाने का आरोप लगाया गया है। वह हिंदू महासभा ने फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही इसके डायलॉग को लेकर एक बड़ा वर्ग विरोध कर रहा है। अब इस विरोध के बीच इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। दूसरा डायरेक्टर और निर्माता होता अभी तक के पूरे देश भर में के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले पूरा सड़कों में दिखाई पड़ते, लेकिन वो उनके अपने हैं, इसलिए ये लोग छुपे हुए। क्यों छुपे हुए भाई? यदि आप राम के भक्त हैं, हनुमान जी के मानने वाले हैं, चाहे वो कोई बनाने वाले, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही चाहिए? पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर लिखी हुई रामायण को आधार बना करके अगर कोई फिल्म बनती है और वो मर्यादा का हनन करती है तो मुझे नहीं लगता कि उसे भारत में चलने का अधिकार है। आदि पुरुष नाम की फिल्म का जिस तरह से वहां उसके डायलॉग्स हैं, जिस तरह उसका पिक्चराइजेशन किया गया है, उसने करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। इस बीच फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने मुंतशिर को सुरक्षा मुहैया कराई है। मनोज मुंतशिर ने पुलिस को शिकायत दी थी कि कुछ लोग उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या हालचाल है। सिर्फ 2 मिनट के सेगमेंट में You know what you signed up for. फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म के जरिए आलिया भट्ट हॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। And now you answer me. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का ट्रेलर भी शेयर किया। फिल्म में आलिया भट्ट विलेन का रोल निभाती नजर आ रही हैं। फैंस आलिया के इस किरदार की जमकर तारीफ कर रहे हैं और अब आलिया की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें भी नजर आती हैं। वीडियो में शिल्पा किसी पूल में नहाती दिख रही हैं। एक्ट्रेस की इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। शाहिद कपूर और कृति सैनन स्टारर रोमांटिक अनटाइटल्ड फिल्म का पहला पोस्टर कुछ महीनों पहले ही मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। अब मूवी की रिलीज डेट की घोषणा भी मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर कर दी है। जियो स्टूडियोज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है जिसमें रिलीज डेट 7 दिसंबर बताई गई है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ में ठगी का मामला सामने आया। रश्मिका के मैनेजर ने एक्ट्रेस के साथ 80 लाख की ठगी की, जिसके बाद एक्ट्रेस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मैनेजर को निकाल दिया। फिलहाल इस मामले पर एक्ट्रेस ने चुप्पी साधी है। जानकारी के अनुसार मैनेजर करियर की शुरुआत से ही एक्ट्रेस के पैसों का लेखा जोखा रखता था। वरुण धवन और जानवी कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल फिल्म बवाल की एक बार फिर से रिलीज डेट बदल गई। बता दें कि इससे पहले भी 2 बार फिल्म की रिलीज डेट बदली जा चुकी है। फिल्म मेकर्स ने अब जानकारी दी है कि फिल्म को 6 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। फैंस को फिल्म देखने के लिए अब थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
तो बाद बिपर जॉय तूफान की करेंगे, जिसने गुजरात और राजस्थान में तो जमकर तबाही मचाई, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी असर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिपर जॉय तूफान के बारे में तो बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मेघालय में NH6 पर कैसे भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ। 4 दिन गुजर चुके हैं लेकिन मलबा अभी तक हटाया नहीं जा सका है, जिसकी वजह से आवाजाही बिल्कुल ठप पड़ी है। बारिश की वजह से आई आपदा को देखिए, सड़क पर हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। पहाड़ से गिरे पत्थरों से टनल का द्वार लगभग बंद हो गया है। लैंडस्लाइड की यह तस्वीर मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के सोनापुर की है, जहां भूस्खलन की वजह से बदरपुर सिलचर शिलोंग गुवाहाटी राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार सुबह से ही बंद है। NH6 पर फैले मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। बड़ी बड़ी मशीनों से सड़क पर आए पत्थरों को हटाया जा रहा है, ताकि टनल के द्वार को जल्द से जल्द खोला जा सके। दरअसल इस राजमार्ग को पूर्वोत्तर भारत के दूसरे सबसे व्यस्त राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। लैंडस्लाइड की वजह से NH6 राजमार्ग पिछले 4 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया है। इन दिनों पूर्वोत्तर के 3 राज्य असम, मेघालय और सिक्किम बाढ़ बारिश की मार झेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेघालय में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2700 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। राज्य के 79 गांवों में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। दूसरी ओर लगातार 10 दिन से जारी बारिश के बाद यहां लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर आने वाले दिनों में भी मूसलाधार बारिश के जारी रहने की संभावना जताई है। इधर बिपर जॉय तूफान का असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। अजमेर में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया है और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। बिपर जॉय तूफान, जिसके गुजर जाने के बाद भी तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी है। चक्रवाती आपदा को देखना है तो अजमेर का हाल देखिए, जहां बिपर जॉय तूफान का असर अब भी बरकरार है। शहर में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अजमेर पानी में डूबा नजर आ रहा है। तूफान गुजर गया लेकिन आसमानी आफत अब लोगों पर टूट रही है। बारिश के चलते शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़क पानी से लबालब भरी नजर आ रही है। दरिया बन गई है सड़कें, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। स्कूल के गेट पर पानी भरा हुआ है और आप देखेंगे कि स्कूल की जो बसें हैं वो भी पानी के अंदर यहाँ डूबी हुई नजर आती हैं। ट्रैफिक रैंग रैंग कर चल रहा है, आप देखेंगे किस तरीके से लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैशाली नगर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अजमेर की सड़कों पर जल जमाव के बाद लोगों के घरों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया है। मजबूरन लोगों को घरों से बाहर समय काटना पड़ रहा है। दूसरी ओर अजमेर में बाढ़ बारिश के चलते अस्पतालों का भी बुरा हाल है। शहर के नेहरू अस्पताल के अंदर पानी का कब्जा है, अस्पताल का कॉरिडोर तालाब जैसा नजर आ रहा है। वार्ड का हाल तो और भी बुरा है, जिसके कारण एडमिट मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी बारिश अजमेर में आज मजा आ रहा है, बहुत सुहाना मौसम है और बहुत गजब बारिश है, लेकिन कई जगह जहाँ पानी भर गया वहाँ दिक्कतें भी हैं। वहाँ भी दिक्कत है, अभी यहाँ पे भी इधर से पानी आ ही रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें भी है ट्रैफिक में भी। आप सब झील भर गई है लगभग, तो लगभग कम्प्लीट ही है बस। अजमेर में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब आपको बताएंगे कि आप फिट रहने के लिए क्या करें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं दीपिका यादव और मेरे साथ योगिनी सोनम एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। सोनम, आज हम किस बारे में बात करें? देखिए, आपने अक्सर देखा होगा आजकल के जैसा लाइफस्टाइल है, हमारे घुटने बहुत जल्दी खराब होने लग गए हैं, और घुटने खराब होने का सबसे पहला इंडिकेशन है कि आपके घुटनों में थोड़ी रगराहट आपको फील होगी, जिसको बोलते हैं क्रेप्टिस। तो चलिए कुछ योगासन करते हैं जो आपके घुटनों को स्ट्रांग बनाएंगे, आपके थाई मसल्स को भी स्ट्रांग रखेंगे, ताकि वो घुटनों को सपोर्ट करें। चलिए पहला आसन शुरू करते हैं। इस आसन का नाम है उत्थिता प्रसूरिता पादासना या फिर एक्सटेंडेड साइड एंगल। तो इसके लिए आपको दोनों पैरों को सीधा करना है, अपने लेफ्ट पैर को पीछे लेकर जाए ज्यादा से ज्यादा, अपने राइट घुटने को आप इस तरह मोड़ दीजिए। अब आपको कोशिश करनी है कि आपका हिप थोड़ा और नीचे हो जाए, आपको थाइस पे यहीं पे इफेक्ट पता लगने लगेगा। सांस छोड़ें, अपने बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करें, राइट हाथ को नीचे रखें अपने राइट पैर के बगल में, इतना रहे कंफर्टेबल लगे। लेफ्ट हाथ को ऊपर खींचें, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचें, और कंफर्टेबल लगे अपने लेफ्ट हाथ को इस तरह ऊपर लेकर जाएं। अगर आपको यहाँ पे बैलेंस बनता है दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़ें, राइट हाथ को वापस लेकर आए, ज़मीन पर रख दें, लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर जाएं।
अपने दोनों हाथों को सीधा करें, राइट घुटने को सीधा करें और अपनी स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाएं। तो आपको ये आसन रिपीट करना है कम से कम 3 से 4 बार और देखिए कि इवेंचुअली आप ये आसन 10-20 से 30 सेकेंड होल्ड कर पाएँ। तो देखिए, अगर आपको वज्रासन में थोड़ी दिक्कत आती है या फिर आपको मुश्किल होती है, आप अपने हिप के नीचे कोई तकिया भी रख सकते हैं। धीरे धीरे आपके मसल्स खुलेंगे, आप आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों हाथों को सामने रखें और अपने दोनों पैरों को राइट और लेफ्ट इस तरह फैला लें, यानी आपका इस समय हिप सेंटर में आ जाएगा। अब आपको पीछे की तरफ लेट जाना है, अपने हाथों का सहारा लीजिए, राइट या लेफ्ट एल्बो इतने में रहें, कंफर्टेबल लगे धीरे धीरे नीचे जाएं और कंफर्टेबल लगे आराम से लेट जाएं। कंफर्टेबल लगे अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पर रख दें और कम से कम 30 या 40 सेकेंड इस आसन में रहें। अपनी सांसों को रिलैक्स करें, सांसों को रोकना नहीं है और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे रखें, अपने पैरों को पकड़ें और एल्बोज का सहारा लेते हुए लेफ्ट या राइट तरफ से आप धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाथों को सामने रखें, दोनों पैरों को वापस आप वज्रासन में बैठ जाएं और एक हल्का सा फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर दीजिए, काउंटर पोज। धीरे धीरे सांस लें और वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए। तो ये आपको आसन कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना है। धीरे धीरे आपके मसल्स ओपन होंगे और आपके घुटने अच्छे हो जाएंगे। आज के फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही।